महाराष्ट्र के बुलडाणा जिले की तहसील संग्राम के पिंड चिचारी के अज गुरद्वारा साहब विच स्वर्गवासी तारा सिंह चौहान की आत्मिक शांति लिए रखे गए अखंड पाठ समय मध्य प्रदेश पुलिस ने गुरद्वारा साहब के विच आके गोली चला दी पर जान का नुकसान होने बच गए क्योंकि यह गोली घर के दरवाजे विचों लंघते हुए गड्डी ते जा बची है। पिंड वालियां का मानना है कि मध्य प्रदेश पुलिस ने यह गुंडागर्दी की। मध्य प्रदेश के इस इलाके दे विच अक्सर ही पिस्तौल की डीलिंग होंदी रही है। मिली जानकारी अनुसार पुलिस नू शक होया जां ओ किसी दा पीछा करदे इस इलाके विच पहुंचे तां कुछ अस्पष्ट है, इस बारे हाले नहीं लग रहे। फिलहाल बुलडाणा दी पुलिस छानबीन कर रही है। जिस तरह अंग्रेज करदे सी साडे सिंघा दे नाल, उस तरह अज साडे नाल इह घटना इत्थे घटी है। इत्थे नीव खड़ी पिंड छोटा जिहा सिंघ सिकंदर सिंह रहिंदे इत्थे, तो इतें कि बाबा जी तारा सिंह करके शांत हो गए, उन्होंने आत्मा की शांति वास्ते अखंड पाठ आज रखे सवेरे 9 बजे। तो असी समूह संगत गुरद्वारा साहब बैठी सी, कीर्तन कर रहे सी, तो पाठ साहब आरंभ हो गया सी। अचानक मध्य प्रदेश खंडवा जिले तो 4-6 गड्डी भर के पुलिस आई, तो उन्होंने साढ़े कोल साल कोई गलबात नहीं की, तो एकदम आके उन्होंने फायरिंग कर दी। तो गरीब सिंघा के घर में गोली लगी है, तो गुरुद्वारा साहब जी बाहर की दीवार है उत्थे भी 2 गोली उत्थे लगी है। बड़ी मुश्किल से असी अपनी जान बचा के इतने उत्थे हाक के अपने प्राण बचाए। तो पहली बार जो पाठ रखिया सी, मैं आप देखिए बेनती करता हाँ, पार्टी सिंह उठ के भाग गए, तो पहली बार का पाठ महाराज का खंडन हो चुका है, तो दूजी बारी फिर पाठ आरंभ किया है। इतना जुर्म साड़ी कौम से पुलिस कर रही है।